नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय किसान एचपी में। आज हमारा जो बात हो रही है वो रही पॉलिनेशन पर। तो पॉलिनेशन के कुछ जुगाड़ हम जो कर सकते हैं, तो उस जुगाड़ को हम कैसे करें, तो इस पर बात करेंगे हम। तो जो गुलदस्ते हम लगाएंगे उस पर हम चीनी का थोड़ा सा स्प्रे मारेंगे, तो इस बारे में हम बात करेंगे पूरी। तो जो मेरे मित्र नए यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी आप ज़रूर करें। तो आज हम बात करते हैं पॉलिनेशन के जुगाड़ की। तो दोस्तों आपको पता है इस बार फ्लावरिंग, हमारी जितनी भी फ्लावरिंग है वो आगे पीछे चली गई है, और मैक्सिमम कई पेड़ों में आपका फ्लावरिंग पूरी आ चुकी है, कईयों में भी पिंक बर्ड आ रहा है, कईयों में भी आगे पीछे चला गया है सारा काम। तो आप देख सकते हैं इस पेड़ को, ये पूरा फ्लावरिंग हो चुकी है, जबकि ये अभी इसमें अभी पिंक बर्ड चला हुआ है। तो ये स्थिति इस बार हर जगह बहुत अलग अलग आ रही है। तो जहाँ पर आपकी फ्लावरिंग आ चुकी है उस पर आप इस तरह के गुलदस्ते टंगा करके रख दें, और इन गुलदस्तों पर दोस्तों आपको मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए थोड़ा सा चीनी की स्प्रे करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया हुआ, 1 लीटर पानी लिया और उसमें 100 ग्राम चीनी डाली, सिर्फ 100 ग्राम। तो एक ध्यान रखना, आपको पेड़ों पर नहीं करनी आपने स्प्रे चीनी की। इससे क्या होगा, मधुमक्खियां आपके जो पत्ते पर है वो पत्तों पर बैठेगी, वो पॉलिनेशन नहीं करेगी, वो फूलों पर नहीं बैठेगी। उससे आपका नुकसान ये होगा कि वो पॉलिनेशन नहीं होगा आपका बगीचे का। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ गुलदस्ते को हल्की सी स्प्रे मारनी है, सिर्फ उनको आकर्षित करना है उस गुलदस्ते तक, क्योंकि मधुमक्खियां थोड़ी देर वहां बैठेगी, उसका पोलन लेगी, उससे थोड़ी देर बाद दूसरी जगह बैठेगी। और दूसरा, आपने एक हमेशा अपने बगीचे में 1 मिनट रुकना है, एक पेड़ के पास, उसमें देखना है कि 1 मिनट में आपके उस पेड़ पर कितनी मक्खियां आती हैं। अगर 1 मिनट में आपके पास उस पेड़ में 20 से 50 मधुमक्खी या कोई मित्र कीट आ रहे हैं तो आपका पॉलिनेशन बहुत अच्छा हो रहा है। अगर ये मैं बात कर रहा हूँ दिन की, जो दिन का वक्त है, क्योंकि मधुमक्खियों को टेम्परेचर चाहिए होता है आपका 15 से 22 सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है, तो इसमें मधुमक्खी अच्छा काम करती है। 15 से कम होगा तो मधुमक्खी काम बहुत कम करती है, और खासकर मेलिफेरा तो 15 से नीचे बिल्कुल भी नहीं करती है आप, बल्कि जो एपिस सराना इंडिका है ये आपका 15 से कम 10 सेल्सियस भी पर भी काम करना शुरू कर देती है। इसकी एक खासियत ये है। तो इस बार तो मधुमक्खियाँ ऐसे भी जो है मेलिफेरा नहीं आई है, हिमाचल में बहुत कम है, तो जिनके पास हैं तो वो अपने ज़्यादातर देसी एपिस सराना इंडिका है। तो मैं अपने बगीचे में हूँ, मैंने मधुमक्खियों के लिए आकर्षित करने के लिए क्या किया हुआ, एक तो गुलदस्ते को मैंने चीनी का घोल दे दिया, दूसरा दोस्तों जो मधुमक्खी के बॉक्स हैं उसके अंदर मैंने चीनी घोल के रख दी थी शाम को, थोड़ी सी हल्की सी, ज़्यादा नहीं, लगभग 100 ml, और उसमें मैंने क्या किया, फूल के जो सेब के फूल हैं उनको मसल के उसमें डाला, ताकि उसका जो टेस्ट है वो मधुमक्खियों को आए। उससे क्या होगा, मधुमक्खियों को उसका फ्लेवर पता लगेगा कि ये फूल हमारा जो है तो कहाँ है। जब उन्हें पता लगेगा ये सेब का फूल है तो वो सेब पर ज़्यादा आकर्षित होगी। क्योंकि जिन बागवान भाइयों के आसपास अगर खेतों में या आसपास कोई दूसरे फूल हैं, जैसे सरसों हैं कुछ हैं, तो उसे काट दें आजकल सरसों नहीं, अगर आपके पास सरसों के फूल होंगे खेतों में गमलों में, तो मधुमक्खी उन सरसों पर जाएगी, आपके सेब पर कम बैठेगी। अगर सरसों नहीं होगी तो वो आपकी ज़्यादातर मक्खियाँ तब फूल पर बैठेगी। आप इसी तरह के पॉलीथीन बाज़ार से ले सकते हैं, आपको ये लगभग 250 और 300 रुपये किलो मिलते हैं। तो इसमें आपने पानी डालना है इस तरह, एक या दो फूलों को इस तरह लें और ये बांध देना है, बस इसे हो गया हमारा, इतना ही काम है।
ये हो गया, और इस पर हल्का सा चीनी का हल्का सा स्प्रे मार दिया। अब क्या होगा कि आपका जो मधुमक्खियां हैं वो इस पर बैठेगी और पॉलिनेशन का जो यहाँ से पराग जो इससे अटैच में रहेगी और इससे भी और दूसरे रॉयल पर भी काम करेगी, और ये 100% काम करता है। और आप देखेंगे जहाँ पॉलिनेशन कम है तो खासकर रॉयल में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है आपका। अगर आप पेड़ में ही पॉलिनेशन होगा तो बहुत अच्छा काम करती है रॉयल जो मधुमक्खियाँ भी, और इस पर मधुमक्खियाँ यहाँ से वहाँ बैठेगी। और पॉलिनेशन हवा के द्वारा भी होता है, और आपके मधुमक्खियाँ करते हैं, दूसरे कई मित्र कीट करते हैं, तो ये तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट है। और एक ध्यान रखना, पर आपने जब भी ये लेना है तो आपने ऐसे फूलों को लेना जहाँ पर आपकी स्प्रे ना हुई हो, या स्प्रे हुई होगी तो कम से कम लगभग एक हफ्ता पहले, अगर आप क्योंकि कोई भी केमिकल होता है उसका असर 8-10-15 दिन तक रहता है। तो अगर आप मान लो कल स्प्रे की और आज ले आते हैं वहाँ से पॉलिनेशन, तो वो आपके लिए और भी घातक है। और बस अब पेड़ पर टंगा देते हैं। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, मैंने देखो ये गुलदस्ते लगाए हुए इस पेड़ में, 4-5 गुलदस्ते हैं, ज़्यादा तो नहीं लगाए, पर मधुमक्खियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जंगली मित्र और भी हैं, ये मधुमक्खी नहीं है पर फिर भी एक कीट है जो मित्र कीट है, और ये भी पॉलिनेशन का काम कर रहा है। ये मधुमक्खी का रूप है, पर ये मधुमक्खी की तरह झुंड में नहीं बैठते हैं, ये अलग अलग ही होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा पॉलिनेशन करता है, और ये पराग इकट्ठा नहीं करता, पर ये सिर्फ रस चूसता है और एक दूसरे फूलों पर आकर्षित होती है। और ये मैपिस सराना है, मेलिफेरा हमारे पास है ही नहीं, और देखो कितना अच्छा शानदार काम कर रही है, बहुत अच्छा। तो इसलिए दोस्तों आपने कभी भी सेब के प्लांट पर चीनी की स्प्रे ना करें, उससे क्या होगा अगर आप चीनी की स्प्रे करेंगे तो मधुमक्खियाँ पत्तों पर बैठ जाएगी और वो आपके पॉलिनेशन का काम नहीं करेगी। और एक दूसरी और बात खास कर ध्यान रखना, जब भी पिंक वर्ड है तो आप उन्हीं स्प्रेयों को करें जो आपके मधुमक्खियों को नहीं मारती हैं, और पिंक वर्ड के स्टार्टिंग स्टेज पर ही आप स्प्रे करें, लेट ना करें। अगर बाय द वे आपके फ्लावरिंग लगभग अगर 10-15% फ्लावरिंग आ भी चुकी है तो कभी भी आप उस पर 17 अप्रैल 2020 हमने जो गुलदस्ते लगाए थे ये आज से 7-8 दिन पहले लगाए थे, और उस वक्त फुल फ्लावरिंग थी, और आज आप देख सकते हैं जो गुलदस्ते थे उसके आसपास का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, वहाँ दाना काफ़ी मजबूत है और वो सेट भी हो चुका है। तो इस बार बागवान भाइयों को पता है कि मौसम ने इस बार किसानों का साथ नहीं दिया और बारिश हुई और मधुमक्खियाँ इस बार नहीं थी, जिसकी वजह से पॉलिनेशन में और भी ज़्यादा कमी हुई। पर ऐसे वक्त में हमारे लिए ये जो गुलदस्ते हैं ये बहुत कारगर हुए, और उन गुलदस्तों के आसपास फसल बहुत अच्छी है, ये आप देख सकते हैं। मैंने इस गुलदस्ते ने अपना काम कर दिया और ये अब ख़त्म है, पर इसने जो आसपास फसल वहाँ पॉलिनेशन किया और बहुत अच्छा है, ये आप देख सकते हैं जहाँ पर अपना पॉलिनेशन के लिए गुलदस्ते लगाए थे उसके चारों तरफ तो अच्छा है, पर जहाँ दिक्कत वहाँ है जहाँ पॉलिनेशन की हमारे पास कलमें नहीं थी, या हमारे बगीचों में पॉलिनेशन बागवानों भाइयों के पास, बहुत सारे बागवान मेरी तरह हैं कहीं जिनके बगीचों में पॉलिनेशन की प्रॉब्लम है, वहाँ बिल्कुल भी जहाँ पॉलिनेशन नहीं था वहाँ पर फ्रूट लगा ही नहीं, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल खाली हैं ये बिल्कुल। और जहाँ पर हमारे आसपास जितने लिफाफे लगाए थे उसके आसपास ही फसल है। तो बागवान भाइयों ये बहुत काम का ये जुगाड़ है जो अपना पॉलिनेशन के लिए गुलदस्ते लगाते हैं हम, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और जैसे कि इस बार मधुमक्खियाँ नहीं थी और ऊपर से मौसम ने साथ नहीं दिया, तो ऐसे वक्त में हमारे लिए गुलदस्ते लगाने वाला तरीका बहुत अच्छा जुगाड़ है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अपना
सुझाव मुझे बताएं कि ये गुलदस्ते वाला सुझाव जुगाड़ कैसा है, और जिन बागवान भाई भाइयों की अभी फ्लावरिंग आने वाली है या पिंक वर्ड है तो वो इस जुगाड़ को ज़रूर करें, क्योंकि इस बार ये जुगाड़ बहुत ज़बरदस्त काम करने वाला है। और अपने बगीचों में आप पोलन डिस्पेंसर से भी काम करें, मधुमक्खियाँ जिनके पास हैं तो वो पोलन डिस्पेंसर यूज़ करें, और जहाँ दिक्कत थोड़ी सी और है अगर मधुमक्खियाँ नहीं है तो वो पॉलिनेशन को अपना ब्रश द्वारा भी ज़रूर पॉलिनेशन करें। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, और इसका जुगाड़ कितना अच्छा है, गुलदस्तों को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत अनमोल है। धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका।